अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब अकरम द स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि डोमेन को कैसे रजिस्टर किया जा सकता है और होस्टिंग को कैसे परचेज़ किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सी पैनल क्या चीज़ है। जी, आप अभी सेकंड नंबर थिंग्स टू नो बिफोर क्रिएटिंग वेबसाइट के अंदर सेकंड लास्ट आप देख सकते हैं सी पैनल का मैंने इधर शो किया हुआ है पॉइंट। तो हम देखते हैं कि सी पैनल क्या है। दरअसल आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो सी पैनल है ना हमारे पास, सी पैनल जब हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं ना, तो उस टाइम होस्टिंग कंपनी वाले हमें एक अकाउंट देते हैं, लॉगिन अकाउंट देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह देते हैं। वो जो अकाउंट होता है वो वाला अकाउंट होता है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का कंप्लीट डाटा देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट का कंप्लीट डाटा पड़ा होता है। इसी तरह हम उसके अंदर लॉगिन करके उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं डाटे को, और डाटा को वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, उसका बैकअप्स भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेस होती है हमारे पास, पूरी पूरी कंप्लीट एक्सेस हमें होती है। और जो आप अक्सर सुनते हैं कि वेबसाइट हैक होगी, इसका ये मतलब है कि जो हैकर होता है वो ये सी पैनल को ही हैक करता है। सी पैनल के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हमें सिक्योरिटी बहुत ही उनकी सख्त करनी पड़ती है, तो ताकि वो हैक ना हो सकें। तो वो सी पैनल ही अकाउंट हैक होता है, तो इसलिए एक्सेस वो हासिल कर लेता, हैकर एक्सेस हासिल कर लेता लॉगिन करने की, तो वो कुछ भी कर सकता उसके साथ। चलें सबसे पहले ये मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। एक मेरे पास वेबसाइट है www.myunitix.com, उसकी हम जाते हैं जी, सी पैनल में जाते हैं। सी पैनल में हम लॉगिन करने के लिए वो जब मैं आपको बताना भूल गया, जब आप परचेज़ करेंगे ना, होस्टिंग परचेज़ करेंगे, उस टाइम वो आपको ईमेल एक आएगा, उसके अंदर आपके लॉगिन डिटेल भी होगी और लॉगिन लिंक भी होगा आपके, मतलब कि सी पैनल के अंदर एक लिंक भी दिया होगा कि कैसे आप कर सकते हैं लॉगिन, और उसके अंदर यूज़र नेम भी एक होगा, एक पासवर्ड भी होगा लॉगिन उसके सी पैनल के लॉगिन का। तो वो आपने वही अप्लाई इधर करना है। मैंने ये myunitix.com/, ये वेबसाइट मेरी होगी, स्लैश लगा के मैंने आगे लिखना है सी पैनल। सी पैनल लिख के जब मैं इंटर करूँगा तो ये सी पैनल लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जी, ये आप देख सकते हैं सी पैनल, ये यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और इसको फिर मैं इंटर करूँगा, मतलब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसके अंदर सी पैनल द लॉगिन इज़ इनवैलिड। मेरे ख्याल में थोड़ा सा पासवर्ड इसका रॉन्ग हो गया होगा, चलो मैं दे लेता हूँ। जी, लॉगिन सक्सेसफुल रिडायरेक्शन। जी, ये आप देख सकते हैं, ये सी पैनल का डैशबोर्ड है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही, जो से भी आप कंपनी से मर्जी आप खरीद लें, उनका जो सी पैनल होगा जो बिल्कुल ऐसा ही होगा, इससे सिमिलर ही होगा। कुछ चेंजिंग, कुछ थीम वगैरह की चेंजिंग होगी तो वो अलग बात है, मगर यही ऑप्शन यही होंगे सारे उसके अंदर। जी, ये आप इधर सामने अभी देख सकते हैं सी पैनल। सबसे पहले इधर ये आपको दिया हुआ फाइंड नोटिसेस दिया हुआ, इधर कोई नोटिस वगैरह या कोई वार्निंग वगैरह आती है तो वो यहाँ पर शो हो जाती है। इधर ये फाइंड का, ये आप देख सकते हैं सर्च बार बनी हुई है, फाइंड है। अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो यहाँ हम लिख के हम फाइंड कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ मेल, मतलब मेल मैंने लिखा था, ये अभी देख